अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप के ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ भी दें इस चैनल पे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो हमारी वीडियो से। जिस तरह हमने मार्केट विज़िट की और आज हम इस तरफ आए हैं, आप माशाल्लाह देख सकते हैं पीछे काफ़ी जो है ना रश भी लगा हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। हम आए थे इधर एक व्लॉग की नीयत से और सोचा कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि एक तरह से ये बिज़नेस आइडिया भी है। वो लोग ऐसे जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यकीन करें कि इन्होंने एक छोटी सी अमाउंट स्पेंड की थी शुरू में और इनिशियल लेवल पे इनके पास ये स्लाइड्स भी नहीं थी, इनके पास और भी इतना बड़ा जो है ना वो सेटअप नहीं था, लेकिन इन्होंने एक कैसे एक छोटी सी एक प्लानिंग की, उसके बाद बड़े लेवल पे एक स्विमिंग पूल बनाया, तो बड़ा मज़ा हमें भी आ रहा है, देखें हम इंजॉय कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल जगह थी, तो एक बड़ा अच्छा बिज़नेस आइडिया इस तरह के छोटी सी इन्वेस्टमेंट, ना तो आपके लिए कोई ख़तरा है, रिस्क है बहुत बड़ा, आप इन्वेस्टमेंट लगाएं और इसको आप बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। इन्होंने देखें कि एक बहुत अच्छी एक सेंट्रल एरिया है जिधर के चारों तरफ से गांव जो हैं वो मिलते हैं इस एरिए को, और गांव से लोग आते हैं और गर्मी में आपको पता है हर बंदे की कोशिश होती है कि वो इस जगह पे आए और इन्जॉय करे। देखें कितने एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। शुरू में तो इनके पास ये स्लाइड भी नहीं थी ना, जिस तरह बताया, और खर्चे की बात कर लें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तकरीबन आपके पास कोई 5-7 लाख रुपया हो तो आसानी के साथ आप ये बिज़नेस कारोबार कहीं भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन तरजीह यही होनी चाहिए कि कोई ऐसी जगह हो जिधर से आप पानी जो है वो निकास भी हो सके और पानी आप दोबारा रिसाइकल भी हो सके। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग रोज़ाना की बेस पे सफाई करते हैं और सफाई के साथ जब पानी को ज़िया नहीं करते पानी का, बल्कि पानी को दूसरों को दे देते हैं, और ऐसे किसान जो जिनको चाहिए होता पानी वो इनसे पानी खरीद भी लेते हैं, और इस तरह ये दोनों तरफ से जो है ना प्रॉफिट बना रही हैं। और तीसरी मज़े की बात ये है कि जो है यकीनन इनके पास रश होता है और लोग जो इंजॉय के लिए आते हैं उनको खाने पीने की भी साथ जो है वो सहूलियात जो है ना वो चाहिए होती हैं, तो ये सिर्फ यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि अपने साथ एक कैंटीन और छोटा सा कैफ़े भी बनाया हुआ है। अगर कैमरामैन दिखा सके छोटा सा, देखें कि इन्होंने अपनी जो कैंटीन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब पापड़ वगैरह हो गए, कोई टिक्की टाफी, मतलब इस तरह की चीज़ें, और उसके साथ साथ ये यूनिफॉर्म जो लोगों को देते हैं वो उसका भी अलहदा से चार्ज करते हैं, अगर जूते किसी ने सेव करने हो उस तरह भी, यानी कि एक कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस तरह चार्ज करते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कोई 5-7 लाख रुपये आप लगाएँ और उसके साथ साथ शुरू में आप अगर के पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप वो तमाम सहूलियात जो आप एक अच्छे लेवल पे नहीं प्रोवाइड कर सकते, मतलब आप नहीं बाद में कर लें, और उसके साथ साथ आप स्लाइड्स वगैरह जो हैं वो बाद में बढ़ा भी सकते हैं। सो बहुत अच्छा ये एक बिज़नेस आइडिया है। ऐसे तमाम लोग जो कि रिस्क लेते हैं कोई बाहर की कंट्रीज़ में और उसके बाद जाके वहाँ फिर एक दफ़ा जो है ना दोबारा से स्टार्टअप लेते हैं, और वो भी एक रिस्क ही होता है, बहुत बड़े लेवल पर रिस्क होता है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेकिन इसका ये है कि फ़ायदा आप एक दफ़ा लगा लें आपका जो है वो बिज़नेस बढ़ता ही है। हर बिज़नेस में रिस्क ज़रूर होता है लेकिन इसमें बहुत कम रिस्क है। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि हमें इन्होंने इन्वाइट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और टिकट की बात कर लें और टिकट जो है वो बहुत ही कम इन्होंने रखी हुई है, तभी इनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है। शहरों की नस्बत इनकी टिकट जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 140 रुपये इन्होंने रखी हुई है, वो भी अब की है, पहले तकरीबन 100 और इससे भी कम थी। बच्चों और बड़ों के लिए इन्होंने थोड़ा सा एक रखा हुआ है फ़र्क ये है कि जब एंटर होते हैं आप वहाँ पानी थोड़ा सा गहराई